में जो बच्चे जाते हैं उनको हम कोई खुराक नहीं देंगे, हम उनको आईसीडीएस में लाने और ले जाने के लिए जो आंगनवाड़ी की हेल्पर और टीचर है उनकी वेतन में एक पैसा हम नहीं बढ़ाएंगे। आप बच्चे को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उस बेटी के लिए जो खुराक की जरूरत है, जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, जो पौष्टिक आहार की जरूरत है उसको खत्म कर रहे हो। बेटी को मार रहे हो भूख से और तुम कहते हो बेटी बढ़ाए बेटी पढ़ाओ। और आज हमारे स्कूलों में इतने संघर्षों के बाद कानून बना है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, खाद्य सुरक्षा का कानून है मेरी प्रिय बहनों, लेकिन आज ये मोदी सरकार दिल्ली में बैठकर उस कानून को समाप्त करके हमारा जो मिड डे मील का जो अधिकार है अब वो कहते हैं हम कोई बच्चा या बच्ची को मिड डे मील नहीं देंगे जब तक उनका आधार का कार्ड नहीं है। अरे पढ़ाई के साथ आधार कार्ड का क्या लेना देना है? हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तुम कहते हो बच्चे पढ़ाओ, मैं पढ़ा रही हूं मेरी बच्ची को, मैं भेज रही हूं स्कूल में, उनकी यूनिफॉर्म का पैसा मैं दे रही हूं क्योंकि तुम्हारी सरकार मेरी यूनिफॉर्म के पैसा भी नहीं देती है। मैं उस बच्ची को ट्यूशन पढ़ाती हूं, बोलो ये सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? लेकिन आज वो कहते हैं उस बच्ची को अगर तुम स्कूल में भेज रहे हो तो पहले भैया आधार कार्ड दिखाओ। मैं इस मोदी सरकार को कहती हूं तुम जो आधार कार्ड मांग रहे हो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि तुम मिड डे मील स्कीम को भी खत्म करना चाहते हो, तुम आईसीडीएस को भी खत्म करना चाहते हो। हम इसके खिलाफ आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मंच से हमारी पहली मांग है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये मोदी सरकार बेटियों को मार रहे हैं उनकी गलत नीति से, और इसलिए हम ये मांग करते हैं ये गलत नीति को वापस लो। आज दुनिया भर में महिलाएं आगे आ रही हैं, आज दुनिया भर में महिलाएं अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में देखो, विज्ञान की क्षेत्र में देखो, पढ़ने लिखने की क्षेत्र में देखो, खेल कूद की क्षेत्र में देखो, घर को संभालने की क्षेत्र में देखो, खेती में देखो, फैक्ट्री में देखो, बच्चों की पढ़ाने में देखो, सब जगह महिलाएं हैं और सब जगह महिलाएं आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया की ये दास्तान है। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात सोचते हैं तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों ये दिवस केवल